अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी तो मैंने सोचा कि मैं आज खाली नाश्ते में चाय पीऊँगी। उसके बाद मैंने सब घर वालों के लिए चाय बनाई और उनको सर्व की, और साथ ही मैंने खाना रख लिया। और देखें, अब मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा बहुत ही बिजी दिन गुजरना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं टाइम से खाना बना लूँ ताकि फिर निकाह की तैयारियों में हमने मसरूफ़ हो जाना है। देखें, साथ मैंने वाइट चावल और काले चने बनाए हैं। बहुत ही दिनों से गोश्त खा खा के अक थक गए थे हम सब, तो हमने सोचा कि अब कुछ अलग बनाया जाए। साथ मीठे में गुड़ वाले चावल बनाने थे तो ये उसकी चास बना के रखी हुई है। खाना बनाते साथ ही मैं पार्लर आ गई। हमारे घर के साथ ही पार्लर है तो अब मैं आपको पार्लर भी दिखाऊँगी, थोड़ा पार्लर विज़िट करवाऊँगी। क्योंकि मेरा मैनी पैडी रहता था तो वो मुझे करवाना था, दिन भी बस एक रह गया था। बाकी मैंने हाइड्रा फेशियल, ब्लकिंग, अपर लिप सब कुछ करवा लिया हुआ था, वैक्सिंग भी करवा ली थी। अब मेरा मैनी पैडी हो रहा है। और देखें आप साथ साथ पार्लर के व्यू। और मैनी पैडी करवाने के फ़ौरन बाद मैं घर आ गई, और शुक्र है अल्लाह का, देखें कितना प्यारा खूबसूरत मौसम हो गया है। हमें तो यही था कि निकाह में गर्मी होगी और हम लोग कैसे तैयार होंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे इतनी गर्मी में, फैंसी कपड़े। देखें ये बिद, आपको पता है निकाह हो शादी हो ससुराल वालों की तरफ से बिद आती है, तो ये मेरी कज़न की बिद आई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गोल्ड जो कि मैंने निकाह पे पहनना है। अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मेरे हस्बैंड की पसंद है बेसिकली। आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेट जो कि मैंने ड्रेस के साथ पहनना है निकाह पे। ये भी मेरे हस्बैंड की चॉइस है। हाँ, ये तो बताना भूल ही गई आपको कि मेरे साथ साथ रहिएगा, अभी तो मैं आपको दुल्हन की मेहंदी भी दिखाने वाली हूँ। देखें कितना खूबसूरत सेट है, मुझे लग रहा है आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। ये मेरे ड्रेस के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर रेड मोती है ना, तो वाइट कलर का मेरा ड्रेस है तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा। आप भी बताइएगा कि कैसा लगेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने जूती। ये देखें मेरी जूती कितनी प्यारी है। अब बाकी रह गया ड्रेस जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। अब मैं फूफो की तरफ जा रही हूँ क्योंकि हमने मेहंदी लगवानी थी उनकी तरफ से। Thank you.
इनका गेस्ट रूम दिखाने वाली हूँ। ये देखें इनका गेस्ट रूम, और ये देखें कितने बड़े बड़े कमरे हैं। जितने मर्ज़ी मेहमान आ जाएं कोई टेंशन नहीं, नीचे मैट्रेस बिछाए और चुप करके लेट गए, एंजॉय किया साथ गपशप की। ये देखें दूसरा रूम, कितनी खूबसूरती और तरतीब से सब सेट किया हुआ है इन्होंने। अब मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाने लगी हूँ जो कि कामरान की दुल्हन की मेहंदी है। ये देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है, और ये उल्टी साइड। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेहंदी। अब हम घर के लिए निकल आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।